अब एक और व्यक्ति, उनकी भी हम शुरुआत कुछ नए तरीके से करना चाहेंगे। कार्टून जगत में कार्टूनिस्ट के रूप में ख्याति अर्जित करने वाले श्री हरिओम तिवारी जी, कृपया सबसे पहले मंच तक आ जाएं, इसके बाद उनके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। हरिओम तिवारी जी जो हर चरित्र को बहुत खूबसूरती से नए अंदाज में नए सोच के साथ प्रस्तुत करने की अपनी योग्यता रखते हैं, वे इस मंच पर हैं। मैं चाहूँगा उनका अवार्ड सम्मान हम थोड़ी देर के लिए रोक कर उनसे कुछ बातचीत कर लें। चलिए पहले सम्मान, और हरिओम तिवारी जी की मुस्कान निश्चित तौर पर व्यंगात्मक है। जिस तरीके से उनके अंदर हास्य और व्यंग दोनों ही कूट कूट कर भरे हुए हैं। आप विश्व प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट स्वर्गीय आर के लक्ष्मण के शिष्य हैं। 97 से नागपुर साउथ सेंट्रल कल्चरल जोन में राष्ट्रीय कार्टून कार्यशाला का आयोजन हुआ था, उसमें हरिओम तिवारी ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था, और 6 एकल कार्टून एग्जीबिशन हो चुकी हैं आपकी। आपने बाघों के ऊपर 54 कार्टून्स बनाए थे। बहुत सारी उपलब्धियां हैं, गिनवाने में समय लगेगा, लेकिन हम चाहेंगे कि इनकी एक उपलब्धि बड़ी ज़बरदस्त है, ये मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। हरिओम को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, हम लोगों ने शायद एक ही दिन स्वदेश अखबार में काम करना शुरू किया था, और थोड़े दिन पहले भी इनका मर्डर हुआ है दुर्गामती फिल्म में। कौन से खान साहब? दुर्गामती कौन से खान साहब ने मारा था आपको? अरशद वासी ने मर्डर कर चुके हैं और बहुत कसके मारा था। अभी तक जिंदा नहीं हो पाए। और ये हरिओम जी की खूबी है कि अभी एक और पिक्चर चर्चा में आई, उसका जो मुख्य किरदार थे वो हर्षद मेहता साहब थे। हम लोग दफ्तर में बैठे थे, रात का समय था, अचानक खबर आई कि हर्षद मेहता ने मुंह खोला, कुछ फ्लैश आए। हमने इनसे कहा एक कार्टून बना दो, कुछ आइडिया शेयर किए। कार्टून ये बनाया था कि पूरा ब्लैक है, एक मुंह खुला हुआ है जो हर्षद का है, उसमें से एक सफ़ेद आकृति है, वो नरसिम्हा राव साहब की सूटकेस लेके आ रहे हैं। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो इतनी बार छपा, वो कार्टून इतनी बार छपा कि कल्पना नहीं थी कि अचानक बैठे बैठे वहाँ से टाइगर्स के कार्टून के, अगर टाइगर बोल सकता तो क्या बोलता, टाइगर स्पीक इनकी जो किताब आई उसमें इन्होंने शेरों की व्यथा कि वो अगर सहकारिता मंत्री के पास जाता तो क्या कहता, कृषि मंत्री के पास जाता तो उसकी अपील क्या होती, ये सब उस किताब में मिलेगा। टाइगर को एज ए ह्यूमन बीइंग मैंने पोर्ट्रे किया है कि मनुष्य होता तो अपनी बात कैसे कह सकता था, कहाँ जा सकता था। उसमें कई ऐसे टची कार्टून भी हैं, जैसे टाइगर का बच्चा जू के बाद टिकट खरीद रहा है, आई वॉन्ट टू मीट माई पेरेंट्स दे आर इनसाइड, मतलब अंदर अपने माँ बाप से मिलना चाहता है। अच्छा, तो एक बात और, इसके पहले हम लोग ग्वालियर में कवि सम्मेलन करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी वो हमारे संरक्षक होते थे और उनको हम अक्सर बुलाते थे। जब वो कविता करते थे, कविताएं सुनाते थे या भाषण करते थे, उसके बाद हरिओम उनकी नकल किया करते थे। ये उन तक को बाद में मालूम पड़ा। तो हरिओम, हम चाहते हैं कि कार्टून आपके रोज अखबार में लोग देखते हैं, जी, फिल्मों में लोग आपको देखते हैं, वेब सीरीज में आपको देख ही रहे हैं, जी, तो क्या लगता है ऑडियंस को देख के आपको कुछ? हाँ, अगर अटल जी इस कार्यक्रम में आए हुए थे होते तो कुछ इस तरह अंदाज में, नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ। मंत्रीगण बैठे हुए हैं, पत्रकार पत्रकार का सम्मान कर रहा है, ये स्थिति कैसे आई? सरकार को सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं अनुराग जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बीड़ा उठाया, पत्रकारों का सम्मान कर रहे हैं, भी ऐसे कर्मयोगियों का सम्मान कर रहे हैं जो समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे काम सरकार को करना चाहिए, पत्रकारों की स्थिति को ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दखल प्राइड अवार्ड जो दूसरा सेशन था इसका सीजन, ये बहुत अच्छा है प्रयास है दखल न्यूज का, और मैं समझता हूँ कि
जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं लोग, वाकई तन मन धन से लगे हुए हैं अच्छा काम करने में, उनको एक प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी रहता है। और मुझे अवार्ड मिला, मैं बहुत खुश हूँ और कोशिश करूँगा कि आगे और अच्छे तरीके से काम करूँ, समाज के लिए अच्छा काम करूँ, जिससे समाज को दिशा मिले, लोगों को प्रेरणा मिले अच्छा काम करने की। और ये प्रयास बहुत अच्छा है कि कई लोग लगे रहते हैं जीवन में तन्मयता से काम करने और उनकी ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं रहता कि अच्छा काम कर रहे हैं वो, क्योंकि अच्छे काम को रिकॉग्नाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है और वे लोग अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं।